आज के दिन ओलंपिक के पेरिस ओलंपिक में भारत में भी पदक का छक्का मारा है, तो आज अमन का छक्का है, तो क्या उसकी खुशी है? नहीं देखो, हमें अमन ने देश के लिए मेडल जीता है, हमें बहुत खुशी है, लेकिन बहुत छोटा दुख भी है, क्योंकि हम गोल्ड की उम्मीद लगा रहे थे और ये अमन ने वादा किया है कि जो अगला ओलंपिक होगा उसमें मैं गोल्ड ला कर ही दिखाऊंगा। ये जापान पावर हाउस है, इसके कारण हमें सेमीफाइनल हारा, मगर ओवरऑल अमन ने जो परफॉर्मेंस किया वो लाजवाब था, काबिल तारीफ था। नहीं देखो जी, ये तो बाउट है, खेल है, पता नहीं किस करवट किस उससे वो हो जाए, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई टेक्निक ऐसी होती है, कई दफ़ा हम कोशिश कर रहे हैं उसको लगाने की, वह नहीं लगती, वो उल्टी लग जाती है, तो उसमें हार जीत हो सकती है। लगातार पांचवी बार कुश्ती ऐसा एकमात्र खेल है देश का कि तिरंगा लहरा है ओलंपिक में, और आप चार बार है, क्या खुशी है उस चौके की? नहीं नहीं, उसकी हमें बहुत खुशी है कि रेसलिंग का मेडल आया है, हमारे तो और भी मेडल आते, लेकिन कुछ बदकिस्मती से हमारे दो पहलवान क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि वो दुबई एयरपोर्ट में वो जो बारिश का टाइम था 3 दिन तक वहाँ फंस गए थे और वो कंपटीशन में नहीं पहुँच गए, नहीं तो हमारे तो 3 पहलवान यहाँ पार्टिसिपेट करते। अमन के थोड़ा सा वेट थोड़ा सा बड़ा था, उसके लिए आपने बहुत प्रयास किए, वो क्या प्रयास है इसके लिए आज बड़ी सफलता देश को मिली है? देखो, पहलवानों को सबको पता है कि वजन कैसे घटाना है, कैसे क्या है, कोच की जिम्मेदारी है, जैसे कुश्ती कंपटीशन ख़त्म हुआ तो उसका वेट चेक करा, वेट ज़्यादा लग रहा था तो उसको बताया कि भाई 1.5 घंटे तो यहीं प्रैक्टिस करो, जैसे ही कंपटीशन ख़त्म हुआ फिर हमने दोबारा देखा, फिर वहाँ ले जाकर थोड़ा रेस्ट करा, रात को 1:30-2 बजे उसका वजन कम करवाया, तो वेट कम कराया और आज हमने पदक जीता। आगे जाके आज तो वैसे फिर ये जो कुश्ती में हमने आज तक खाशाबा ने पदक जीता है वो भी ब्रॉन्ज था, इसके बारे में सुशील ने जीता है वो सिल्वर था, मगर गोल्ड नहीं जीते, वो सपना कब पूरा होगा? ये अमन ने वादा किया है कि मैं अगले ओलंपिक में ज़रूर गोल्ड ला के दिखाऊँगा। अगले ऑलिम्पिक में गोल्ड लाके दिखाएंगे आणि कुस्तीतले हे गोल्डचं वर्तुळ पूर्ण करण्यासाठी भारतीय संघ सक्षम समर्थ झालाय। टीव्ही9 मराठीसाठी संजय दुधाने, पॅरिस ऑलिम्पिक।